तो भाई लोग, कैसे आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में, जिसका नाम है एक्शन का रिएक्शन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन का टेस्ट करने वाला हूँ जो जिसके बारे में मैंने YouTube में काफ़ी सारे वीडियो देखा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो बिना ग्रीन स्क्रीन का आपका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करता है। तो आज हम देखते हैं, चलिए देखते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में और क्या वो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करता है या नहीं, ये हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने फ़ोन पे जाते हैं और प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर उस एप्लीकेशन का नाम जो है, अब दोस्तों यहाँ पर हम सर्च करेंगे ऑल ग्रीन स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने सर्च किया ऑल ग्रीन स्क्रीन और ये वो एप्लीकेशन है जिसमें जिसके बारे में हमने देखा है, काफ़ी सारे वीडियो मैंने देखा है कि ये एप्लीकेशन जो है आपकी बैकग्राउंड जो है उसको ग्रीन स्क्रीन में क्रिएट करता है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लगभग 20 MB का ये एप्लीकेशन है। सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो पिक इमेज फॉर गेम गैलरी है और पिक वीडियो फ्रॉम गैलरी है। तो हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं इमेज पे। यहाँ परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर लेंगे और यहाँ से कुछ इमेज जो है, हम रिसेंट में तो नहीं, यहाँ से जाएंगे हम फोटोज़ पे और एक कोई भी इमेज जो है हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जो है अपना ये इमेज को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू लाइन जो है ये क्रिएट हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर हमारा जो बॉडी है, फेस है, यहाँ पर ये मास्क तो कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है। तो एडिट में भी बहुत सारा कुछ, यहाँ पर पेंट टूल है ना, ये इरेजर है। तो यहाँ पर आप ब्लू कलर का मास्क देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे नीचे ऑप्शन हैं, हम यहाँ इसको ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये ब्लर हो गया है और यहाँ पर इस तरह का ब्लर है। ग्रीन स्क्रीन कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है। तो ये वो ऑप्शन है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, फिर भी अगर देखें तो एज वगैरह जो है उतना बढ़िया से डिटेक्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पर शायद यहाँ पेन टूल है, एडिट टूल है, यहाँ से शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं तो एज डिटेक्शन जो है ये उतना ख़ास नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं एज उतनी बारीकी से ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ से हम बैक में जाते हैं और यहाँ से स्टॉप एडिटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम वीडियो पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पिक वीडियो फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर जो है मैं अपना एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और तो वीडियो में भी यहाँ आप देख लीजिए कि जो एज है, एज डिटेक्टिंग जो है वो उतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन उतना परफेक्टली जो है रिमूव नहीं हो रहा है, एज डिटेक्ट जो है उतना ख़ास नहीं हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वीडियो हो गया है, यहाँ से हमको जाना है इस वाले ऑप्शन में जाएं। तो यहाँ बहुत सारी इमेज है, एक्यूरेट पे क्लिक करते हैं और डिटेल डिटेक्ट पीपल ओनली। ठीक है, और ऊपर में शेयर ऑल ग्रीन स्क्रीन, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये अब देखते हैं कितना प्रॉपर तरह से ये डिटेक्ट होगा। तो यहाँ अभी भी जो है काफ़ी सारी एरर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर गैलरी में जाएं तो यहाँ गैलरी में ये ऑप्शन है, मगर इसको जो है हमको नहीं करना है, इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर
हमको जो है सेव टू गैलरी करेंगे और कितने FPS में रखना है, तो हम 30 FPS में रखते हैं और इसको जो है रेंडर कर देते हैं, तो हमारा वीडियो जो है यहाँ रेंडर होना चालू होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है रेंडर कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लेते हैं MX प्लेयर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा वीडियो और बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ है। तो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है और टोटली ये ऐप जो है हमारे किसी काम का नहीं है। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो ये ऐप जो है ग्रीन स्क्रीन आपको परफेक्टली जो है कन्वर्ट करके नहीं देता है। सो गाइस आज का ये वीडियो था, ये ऐप का रिव्यू था और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और उसके ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।